नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खुशी की खबर निकल कर सामने आ रही है निजगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर। अब आप ये सोच रहे होंगे, अगर आपने कहीं और से देखा है कोई वीडियो और उसमें ऐसा देखा है कि निजगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बैन कर दिया है, तो मैं पागल हो चुका हूँ और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही बड़ी खुशी की खबर आ गई है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एकदम सोच समझ कर बोल रहा हूँ और सच में वास्तव में बहुत बड़ी खुशी की खबर ये है निजगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। जी हाँ दोस्तों, जरूर फैसला आया है, लेकिन क्या फैसला आया है, एक्चुअली क्या फैसला आया है, वो बात करने वाले हैं इस पर। और वो जो फैसला इस वीडियो में आप देखेंगे और उसके बाद आप कहना कि जो मैंने कहा है कि बहुत ही ज्यादा खुशी की खबर है, वो है या नहीं, उसके बाद ये डिसीजन लेना। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहां पे ये जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज्यादा विवादित था। जब यहां पे 2017 में पर्यटन मंत्रालय ने कहा था कि इससे 2.4 मिलियन से अधिक छोटे या बड़े पेड़ कट सकते हैं, जब यहाँ पे पर्यटन मंत्रालय ने बोला कि ये जो यहाँ पे वन अभ्यारण्य है, जो परसा राष्ट्रीय उद्यान है, उसके अंदर बाघों और हाथियों जैसे बड़े वन्य जीव और यहाँ पे गलियारा और समृद्ध जैव विविधता के आवास में संकट पैदा हो सकता है। जब पर्यटन विभाग ने कहा कि काठमांडू से 175 किलोमीटर दक्षिण में स्थित नियोजित निर्माण स्थल घने जंगलों के बीच स्थित है और जिसमें लगभग 90% परियोजना क्षेत्र सोरिया यहाँ पे रोबस्टा पेड़ों और आच्छादित हैं, यानी कि जिसे साल या ससुआ से भी जाना जाता है, लकड़ी का बाजार है और मूल्य है उसका 65 करोड़ रुपए से अधिक। यानी कि आप अगर यहाँ पे जो ये एयरपोर्ट बना रहे हैं तो इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, जैव विविधता को खत्म कर रहे हैं, नेपाल के जंगलों को नष्ट कर रहे हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब ये जो यहाँ पे निजगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो दो पलड़ों में बंट चुका था। लोगों का मानना था कि इसे नहीं बनना चाहिए और दूसरे लोगों का मानना था कि इसे बनना चाहिए। वहीं पे यहाँ पे सरकार ने भी सहमति जता दी और कुछ हद तक पेड़ों की कटाई शुरू भी कर दी, जो कि यहाँ पे टेंडर दिया गया नेपाली आर्मी को। लेकिन अभी तक इसके ऊपर एक बड़ा सस्य बना हुआ था कि कोर्ट क्या फैसला लेगा। जब कोर्ट के अंदर याचिका गई तो उसके बाद ये सनसनी बहुत ज्यादा फैल गई। मैं आपको बता दूं कि 12 के भाग्य में 3.45 बिलियन डॉलर का निजगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब आधार के आधार पर कहें या फिर वर्षों के आधार पर कहें तो लटका पड़ा था और अब लगातार सरकार इसके लिए जोर दे रही थी। यहां पे पर्यावरणविदियों को, पर्यटनवादियों को, जैव विविधतावादियों को, स्थलीय समुदायों को और जो वन्य जीवों पर राष्ट्रीय गौरव परियोजना के प्रभाव को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा अहम था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं रखा गया। अब यहां पे कोर्ट एकमात्र ऐसा फैसला था जो कि एक अच्छा डिसीजन ले और उस डिसीजन के अनुरूप यहां पे सरकार को काम करना ही करना पड़ेगा। तो यहां पे डिसीजन ये आया कि निजगढ़ के अंदर आप किसी भी प्रकार का इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बना सकते। यानी कि जिस हिसाब से आपने सोच रखा है कि त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो सेकंड विकल्प है वो निजगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए और एक वाइड नंबर ऑफ पीपल इसके अंदर आए, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि 15 मिलियन की क्षमता वाला ये निजगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला था। अब तक आपको यही समझ में आया होगा दोस्तों कि ये निजगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो प्रोजेक्ट है वो ही बंद हो गया। लेकिन ऐसा डिसीजन आया जरूर था, लेकिन कंफर्मली ऐसे कहें कि या फिर एग्जैक्टली ऐसा डिसीजन यहां पे नहीं दिया। हमने पहले वाली वीडियो में एक जिक्र किया था, आपको याद हो तो हमने कहा था कि निजगढ़ ही क्या एकमात्र ऑप्शन है। हमने कहा था कि क्या ऐसी जगह नहीं मिल सकती जहां पे वनों की कटाई भी ना हो और हमारा काम भी चल जाए, यानी कि जहां पे जो त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका ऑप्शनल भी मिल जाए हमें और हमारी प्रकृति के साथ खिलवाड़ भी ना हो। ये तो जरूरी है दोस्तों कि यहां पे 0% प्रकृति के साथ खेलकर हम खिलवाड़ किए बिना हम किसी भी चीज को जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन इतना बड़ा नुकसान करके भी हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं सही था। और अब यहां पे हाईकोर्ट ने भी यही फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट का कहना है कि अगर आपको विकल्प नजर आ रहा है, आप चाहते हैं कि निजगढ़ जैसा कोई इंटरनेशनल
नेशनल एग्जिस्ट करना चाहिए यहाँ पे नेपाल के अंदर, तो आप उसका विकल्प ढूंढिए। विकल्प का मतलब कि आप ऐसी जगह खोजिए जहां पर आपका नुकसान कम से कम हो और फायदा सबसे ज्यादा हो। अब यहाँ पे सरकार को चाहिए, अगर उसके मन में पूर्णतः ये सुदृढ़ विचार है कि ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है वो बनाकर ही रहेंगे, तो यहाँ पे नेपाल के अंदर और भी बहुत सी जगह है जहां पे निजगढ़ जितना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है सरकार पर कि क्या वो इस प्रोजेक्ट को यहीं पे क्लोज करेगी, फाड़ के कागज छोड़ देगी, या फिर उसके मन में जो अल्टरनेट यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सवाल था वो बना रहेगा और वो एक और ऐसी जगह तलाश लेगी जिसके अंदर यहाँ पे इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन सकता है। जैसा हमने बताया था बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे होता हुआ जा रहा है और आशा करते हैं कि ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो सरकार के जहन में रहने वाला है और यहाँ पे अलग ही कोई इसका ऑप्शनल जगह मिलेगी जहाँ पे ये एयरपोर्ट बनना संभव हो सकता है। दोस्तों आपकी क्या राय इसके बारे में, अब बताइए कि ये जो न्यूज है वो कितनी ज्यादा खुशी की खबर है जिसके अंदर हमारा पर्यावरण का जो नुकसान है वो भी नहीं होगा और इसके साथ साथ यहाँ पे हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन जाएगा। आपकी क्या राय इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे को नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने आ जाऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।